हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 45 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स का 44 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो जो लोग अभी तक इस सभी 44 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, या नहीं तो आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगहों पर मिल जाएगा। तो इस 44 वीडियो को जरूर जो है आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले आप लोग एक बार जो इसको जरूर जो है तैयारी कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखाएं, इस चैप्टर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में किए थे और आज के इस वीडियो में हम जो है 11 नंबर क्वेश्चन से आज का क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। काफी महत्वपूर्ण यहां पर जो है आज का क्लास होने वाला है, क्योंकि कल के सेशन में हम लोगों का जो क्वेश्चन का लेवल था वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज की क्लास में आप लोगों को काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा रहा कि 5 सेमी 10 सेमी व्यास वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 cm है, इन वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि भाई एक वृत्त है 5 cm वाला त्रिज्या वाला और एक 10 cm, सॉरी त्रिज्या नहीं है, व्यास है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 cm और 10 cm व्यास वाला आपको क्या करना, पहले दो वृत्त बना लेना है जिसके केंद्र के बीच की दूरी कितना होनी चाहिए, 10 cm होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है जिसका जो व्यास है वो 10 cm का है, ठीक है। और इससे दूर हम जो है एक वृत्त और बनाएंगे जिसका व्यास 5 cm का होगा, दैट मीन्स यह आकार में इससे जस्ट क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। तो ये 5 cm व्यास वाला वृत्त है और ये 10 cm व्यास वाला वृत्त है, और दोनों के केंद्र के बीच का जो दूरी है वो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि 10 cm है, 10 cm, इससे हमें मतलब नहीं है। आगे क्या पूछा जा रहा है कि इन वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जो वृत्त को केवल स्पर्श करती है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या आपको बताना है। तो समझिए, एक स्पर्श रेखा, हम यहाँ पर हल्का कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए एक स्पर्श रेखा ये हो सकती है, इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि यह एक स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। ऊपर से इसी तरह से आप दूसरा स्पर्श रेखा इसमें बना सकते हैं, यह मान लीजिए कि आपका दूसरा क्या है, स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श करते हुए जाएगी, ठीक है, आप लोग बनाएंगे अच्छा से। और दो स्पर्श रेखा और भी इसमें आप बना सकते हैं, कैसे, सो देखिए, एक तो आप यहां से बना सकते हैं, ठीक है, इधर से ले जाइए और इस तरह से यह एक स्पर्श रेखा हो गया, और एक स्पर्श रेखा आपका इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। आप हल्का सीधा बनाएंगे, हमको तो हल्का अच्छा जो है नहीं बनना, क्योंकि आप लोग स्केल से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर कुल कितना स्पर्श रेखा हो गया, 4, और वो भी कैसा है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ किसको कहते हैं, जो दोनों पे हो, तो दोनों पर अगर स्पर्श रेखा देखा जाए, दोनों पर ऐसा स्पर्श रेखा जो दोनों को स्पर्श कर रहा हो, तो वो उसका संख्या कितना होगा, 4 होगा। डेट मीन्स यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है और आप लोग जितना ध्यान से देखेंगे उतना ही अधिक आप लोगों को समझ में आएगा और उतना दिन तक आप लोग जो इस सभी को याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे हम लोग जो है 12 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि ए बी और सी डी किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं, दो जीवा हैं। आपको आगे बोला गया कि जो परस्पर एक जो परस्पर वृत्त के अंदर पी बिंदु पर काटती हैं। तो चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, फिगर के मदद से समझते हैं। सबसे पहले तो आप एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है, एक वृत्त आपका बन गया। यह मान लीजिए कि वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि वृत्त की दो जीवा हैं जो एक दूसरे को अंदर ही अंदर जो है वृत्त के अंदर पी बिंदु पर काटता है। तो एक जीवा हम मान लेते हैं कि आपका यह है, ठीक है, ये आपका जीवा हुआ जिसका नाम आप दे दीजिए ए बी, ठीक है, इसका नाम आप ए बी दे दीजिए,
ये जीवा ए बी है और फिर एक जीवा है सी डी जो जीवा ए बी को बिंदु पी पर काटेगा। तो मान लीजिए कि यह आपका कोई जीवा है, ठीक है, और ये जीवा है आपका मान लीजिए कि सी डी, ये सी डी जीवा है, और ये जो स्पर्श, ये जो बिंदु जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटती है, इस बिंदु का नाम दे दीजिए आप पी, इस तरह से आपको बोला जा रहा है। और फिर आगे क्वेश्चन के अंदर जो है बोल दिया गया है कि यदि ए पी बराबर 6 cm, सी पी बराबर 8 cm और पी डी बराबर 3 cm तो पी बी का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो अनुपात होगा इसका वो बराबर होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि आप एपी बट्टे पीडी जो है बराबर होगा सीपी बट्टे पीबी के, पी बी के। तो बातों को समझिए, एपी कौन है, ए से पी यह वाला, ठीक है, और पीडी तो पी से डी ये वाला जो भुजा है इसका अनुपात, इस दोनों का अनुपात, और सीपी मतलब ये वाला भुजा, और पीबी मतलब ये वाला जो भुजा है, ये इस दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। और जब दोनों का अनुपात बराबर होगा तब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको समझिए, देखिए यहाँ पर हल्का आपको ध्यान देना होगा और समझना होगा। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एपी का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 6, तो ऊपर आप ले लेंगे कितना, ये ले लेंगे आप 6। फिर पीडी, पीडी का भी वैल्यू आप देख सकते हैं कि 3 दिया गया है, तो यहाँ पर आप कितना ले लेंगे, 3 ले सकते हैं, बीच में बराबर है तो बराबर। सीपी का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 दिया हुआ है, तो ऊपर में आप यहाँ पर ले लेंगे कितना, 8, और बट्टे में पीबी जो कि आपको निकालना है, इसका वैल्यू पीबी निकालना है। अब आप इसको आसानी से जो है इसका मान निकाल सकते हैं, कैसे, सो देखिए आप देख सकते हैं कि 3 × 6 ये कट जाएगा, और फिर ये 2 × 2 और 2 × 4 = 8, क्योंकि बराबर के ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है, तो 2 से इस 8 को काटेंगे तो 4 होगा। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीबी को इधर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, पीबी होगा। फिर आप देख सकते हैं कि इधर कुछ भी नहीं था तो 1 था, तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। दैट मीन्स पीबी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देख लीजिए 12 का यहाँ पर आपका सही जो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पीवी का जो वैल्यू है वो आपको कितना बताना है, तो वो बताना है आपको 4, क्योंकि आंसर के अकॉर्डिंग आपका 4 डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी बातों को क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, अगले 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, काफी यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण चीजें आपको देखने को मिलेगा आगे आगे। यहाँ पर आप देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एसी और सीडी किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं, यदि ये जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं तो एबीसीडी होगा। देख लीजिए यहाँ पर कोई वृत्त है, मान लीजिए यह आपका कोई वृत्त है, और इसमें बोला गया कि एसी और सीडी दो जीवा है, तो एसी और सीडी अगर कोई क्या है, दो जीवा है, तो यहाँ पर आपको बोला गया एसी और सीडी किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं। तो मान लेते हैं कि एसी यह आपका क्या है, एक जीवा है, ठीक है, एक जीवा यह आपका है, ये एसी मान लीजिए, ठीक है, और फिर सीडी, सीडी दूसरी जीवा है, और आगे आपको बोला है कि ये जीवा एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांटता है, ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए कि हो गया आपका सीडी। यहाँ पर आपको ये एक मिनट आप बातों को समझिए कि ये एसी नहीं होगा, क्वेश्चन में हल्का मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग है, ये ए बी मान लीजिए, क्या है, तो ये ए बी मानिए, ठीक है, एसी मानिए और इसको डी बी मानिए, क्योंकि अगर आप एसी लेते हैं, ये आपका एसी है, तो ये सीडी नहीं होगा बल्कि ये बीडी होगा, क्या होगा, बीडी होगा। तो आप इस तरह से बातों को समझेंगे, मिस प्रिंट होता कभी कभी, तो ये मान लीजिए कि आपका क्या है, बीडी है, ठीक है, ये बी
डी है। और क्वेश्चन में बोला गया कि यह दोनों जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटता है। तब जब आप इसको क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, ठीक है, ये मिला दीजिए आप, फिर इस दोनों को मिला दीजिए, और फिर इस दोनों को मिलाइए, और फिर इस दोनों को मिलाइए, तो यह एक चतुर्भुज बना, ए बी सी डी क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। तो ए बी सी डी चतुर्भुज जो है किस प्रकार का होगा, तो 13 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखिएगा, यह क्या होगा, आयत होगा। क्या होगा, ए बी सी डी जो चतुर्भुज बन रहा है यह किस प्रकार का होगा, आयत के प्रकार का होगा, अगर ऐसा स्थिति बनता है। कब स्थिति क्या है कि दोनों जीवा अगर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा हो तो उस स्थिति में क्या बनेगा, आयत बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ जो है आपके 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि यदि किसी जीवा की लंबाई, बोल दिया गया कि जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जीवा का जो लंबाई है वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, तो आपको जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण कितना, कोण बराबर है, मतलब केंद्र पर बना हुआ कोण कितना डिग्री का होगा। देखिए चलिए फिगर की मदद से समझिए। यह मान लीजिए कि आपका क्या है, एक वृत्त है, और क्वेश्चन में बोल दिया गया कि एक जीवा है इसका, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपका क्या है, इस वृत्त का जीवा है, इसका नाम हम ए बी दे देते हैं, ठीक है, ए बी दे देते हैं। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि किसी जीवा की, यदि किसी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ये जो जीवा है वो वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये त्रिज्या हुआ और ये आपका त्रिज्या हुआ, ये मान लीजिए कि ओ है, तो यहाँ पर तीनों हो गया बराबर, क्योंकि देखिए ओ बी और ओ ए और ओ बी दोनों त्रिज्या है और ए बी क्या है, जीवा है, तो ये तीनों बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जितना बड़ा त्रिज्या उतना ही बड़ा जीवा है। तो यहाँ तो स्थिति ये पैदा हो रहा है, लिखेंगे चूंकि ओ ए बराबर है ओ बी, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है, और क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि जीवा भी त्रिज्या के ही बराबर है, तो जीवा क्या है, ए बी, तो ये भी आपका क्या है, बराबर, यानी कि तीनों भुजा यहाँ पर आपका क्या है, बराबर है, ठीक है। और अगर तीनों भुजा बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो होगा समबाहु, कैसा होगा त्रिभुज ए बी सी, कैसा होगा, समबाहु होगा। आपको पता होना चाहिए कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बराबर है, तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु होगा, और समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए यह भी आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का होता है। तो अगर सभी भुजा बराबर है तो सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो आपसे पूछा गया था कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण बराबर है, कितना के बराबर होगा, तो 60 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा 60 डिग्री, आप पूरा कारण समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से आप लोग इसका 60 डिग्री आंसर जो है लगा सकते हैं, क्योंकि सभी कोण यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये जीवा है, जीवा के द्वारा बना हुआ कोण है ओ, तो ओ भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आप एक मिनट जो है पढ़िए। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी जो है वो 3 सेमी है, तो सबसे पहले तो एक वृत्त बनाइए, तब आपको बातें समझ में आएगी, ठीक है। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और एक जीवा के बारे में बोला गया कि इस ये जीवा जो है वो 8 सीएम लंबी है। तो मान लेते हैं ए बी क्या है, ये ए बी है और ये जीवा है, कितना सीएम लंबी, 8 सीएम लंबी है, और बोला गया कि लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी जो है वो 3 सीएम है, कहाँ से, तो केंद्र से, तो केंद्र ये हो गया मान लीजिए आपका ओ, और यहाँ से जो न्यूनतम दूरी है वो कितना डिग्री है, सॉरी कितना सीएम है, 3 सीएम है, और न्यूनतम कभी भी दूरी होगा वो लंब होता है, क्या होता है, लंब होता, तो ये दे दिया गया आपको 3 सीएम, ठीक है। और ए से बी पूरा है 4 सीएम, तो सॉरी 8 सीएम,
तो 4 cm इधर होगा और 4 cm इधर होगा, ठीक है। इस स्थिति में आपको वृत्त का व्यास निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त का व्यास। तो समझिए, अगर आप O से A को मिलाते हैं तो ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और त्रिज्या आप निकाल लेंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? व्यास मिल जाएगा। और अगर आप त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे? सो देखिए, ओ ए और ये जो बिंदु है इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए। मान लेते हैं कि ये सी है। ये क्या है? सी बिंदु है। तो ओ ए सी एक त्रिभुज बना, वो भी कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और ये जो ओ ए है वो एक तरह से आपका हो गया कौन चीज, यहाँ पर कर्ण हो गया। तो अगर आप ओ ए निकालते हैं या फिर इसको आप ए ओ भी बोल सकते हैं, तो ओ ए क्या होगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोर आधार स्क्वायर होता है। तो लंब का वैल्यू आप मान लीजिए कि 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार मान लीजिए कि ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर आप कर लेंगे तो कितना होगा? 4 चौके 16 होगा, 3 × 9 तो 16 और 9 25, और 25 जब 5 × 5 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फाइनल आंसर 5 cm। तो ओ एम ओ ए बराबर कितना हुआ? 5 cm। इसीलिए आपको क्या चाहिए? इसीलिए आपको चाहिए व्यास। तो देखिए, ओ ए क्या है? त्रिज्या है। और त्रिज्या को अगर आप गुना करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा? व्यास मिलेगा। ओ ए क्या है? 5 है। 5 को 2 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा? 10 cm आपका फाइनल क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। 10 cm आपका फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 cm है। अर्ध व्यास का क्या मतलब है? अर्ध व्यास का मतलब होता है त्रिज्या। क्या मतलब होता है? अर्ध व्यास का मतलब होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ पर आपको दे दिया कितना? 6 cm। तथा केंद्र ओ है और इसका केंद्र क्या है? ओ है। यदि एक त्रिज्यखंड इस प्रकार है कि कोण ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री, तो लघु चाप ए बी की लंबाई कितनी होगी, यह आपको बताना है। तो फिगर की मदद से समझिए। यह मान लीजिए कि आपका कोई वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र ओ है, यहाँ पे मान लीजिए, और इसका क्या है? एक चाप है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये त्रिज्यखंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड ये मान लीजिए है, ये आपका कोई त्रिज्यखंड है, ठीक है, त्रिज्यखंड है। और इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए ए और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए बी। और त्रिज्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना दे दिया गया? अर्ध। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है अर्ध व्यास, तो अर्ध व्यास का मतलब होता है त्रिज्या। तो ये त्रिज्या है, ओ से बी त्रिज्या, ओ से ए त्रिज्या, तो ये भी 6 cm होगा, ये भी 6 cm होगा। और एक बात और भी यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि कोण ए ओ बी जो है, मतलब ये कोण जो है वो है यहाँ पर आपका 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। इस स्थिति में आपको क्या करना है कि लघु चाप ए बी, लघु चाप ए बी का क्या करना है आपको? लंबाई निकालना है इसका, ठीक है। ए बी का लंबाई आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर बातों को समझिए। देखिए, ए बी का अगर आप निकालना चाहते लंबाई, तो चाप की लंबाई याद रखिएगा, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर थीटा, आर इंटू थीटा, आपको हम बताए भी होंगे पहले। आर का मान यहाँ पर 6 है और थीटा का मान आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री ले लेंगे। और जैसे 30 को गुना करेंगे 6 से तो 36 × 18 होगा, 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री? 180 डिग्री। और 180 डिग्री को आप पाई रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई रेडियन। तो पाई cm यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। मतलब चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये भी चाप की लंबाई पाई सेमी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, ठीक है। ये cm में होता है क्योंकि लंबाई है, ये cm में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है 16 नंबर क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगले 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टोटल लगभग 20 क्वेश्चन आज हम लोग जो है इसमें कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपके 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 8 सेमी है तो वृत्त के केंद्र पर जीवा की लंबवत दूरी है। देखिए यहाँ पर आप समझिए पहले बात को फिगर के मदद से। यह मान लीजिए कि आपका कोई वृत्त है और यह केंद्र है और आपको बोल देगा कि जीवा जो है वो 8 सीएम की है, तो एक जीवा आप बना लीजिए। ये मान लीजिए कि कोई जीवा है और इसका लंबाई है 8 सीएम। मान लीजिए ये ए बी है, ठीक है, ए बी कोई जीवा है और ये 8 सीएम का है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 सेमी त्रिज्या है, त्रिज्या कितना सीएम है तो 5 सीएम त्रिज्या है। तो देखिए ये केंद्र को मानिए ओ, आप ओ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओ है तो ओ को आप जब ए से मिलाएंगे तो ये त्रिज्या होगा, ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 सीएम है, ठीक है, तो ये 5 सीएम का होगा। अब आपको बोला जा रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, तो ये वृत्त है और इसके केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी ये होगी, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि सी हो जाएगा, ठीक है, तो ये दूरी ओ सी आपको निकालना है। तो बातों को समझिए, ए बी कितना है, ए बी है 8 सीएम, 8 सीएम है तो 4 सीएम इधर और 4 सीएम इधर। अब आप देखेंगे किधर, तो त्रिभुज ए सी ओ में, ठीक है, त्रिभुज ए सी ओ में आप गौर से देखिए, ए सी ओ तो देखिए ये होगा 90 डिग्री समकोण होगा, तब तो लंबवत दूरी है। तो यहाँ पर सिंपली आप समझिए कि कर्ण 5 सीएम आपको दे दिया गया है, ये 5 सीएम है, 5 सीएम तो कर्ण दे दिया गया, आधार दे दिया गया 4, आपको पी मतलब लंब आपको निकालना है। तो ओसी क्या है, लंब है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। तो आपको निकालना क्या है, ओसी, ओसी निकालना है, तो ओसी बराबर रूट अंडर क्या होगा, ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर कितना है, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में से 16 जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9, तो रूट 9 और रूट 9 का मान होता है 3, तो 3 सीएम आपका फाइनल आंसर होगा, दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की आप जो है इसको कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ आपके 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक अष्टभुज बनाया गया है, अष्टभुज मतलब समष्टभुज का मतलब होता है 8 भुजाओं वाला जो है आकृति क्या किया गया है, बनाया गया है, तो प्रत्येक भुजा केंद्र पर कोण बनाती है, प्रत्येक भुजा जो है केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगी, यह आपको बताना है, समझिए बातों को। देखिए यह एक आपका क्या है, वृत्त है, ठीक है, और ये आपका रहा केंद्र, ठीक है, और इसमें बनाया गया अष्टभुज, एक भुजा मान लीजिए, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, और ये है यहाँ पर मानेंगे आपको हल्का जो है, ये है मान लीजिए कि पांचवी भुजा, ये छठी भुजा, ये सातवीं भुजा और ये आठवीं भुजा, इस तरह से अष्टभुज अंदर में बनाया गया है। तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का, तो एक भुजा यहाँ से यहाँ तक जो है बनेगी, ठीक है, एक भुजा के द्वारा बनाया गया कोण ये होगा और इसी तरह से आठ भुजा का होगा, तो एक भुजा यहाँ पर आपको बोल दिया गया, तो प्रत्येक भुजा केंद्र पर कोण बनाती है, तो प्रत्येक भुजा है कितना 8, 8 से आप भाग दे दीजिए, 8 से 360 को जैसे ही आप भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 45, कितना मिलेगा 45 डिग्री का कोण बनाएगा, दैट मीन्स ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। याद रखिएगा एक भुजा के द्वारा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि यदि किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाई जिनकी परस्पर दूरी 1 सीएम है, क्रमशः 6 सीएम और 8 सीएम है, ये जो 6 सीएम की जीवा है और एक 8 सीएम की जीवा है और दोनों समांतर है, यह भी बोल दिया गया,
और दोनों के बीच का दूरी 1 cm है, यह भी बोल दिया गया। तो आपको बताना है कि वृत्त के केंद्र से अपेक्षाकृत लंबी, ठीक है, जीवा की दूरी क्या होगी। समझिए, देखिए, यह आप मान लीजिए कि कोई आपका क्या है, वृत्त है, यह आपका वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। और इस क्वेश्चन में बोला गया कि दो जीवा है, एक जीवा तो मान लीजिए यह है और एक जीवा यह है, दो जीवा है, इसका नाम भी आप दे दीजिए। ऊपर वाला जीवा है मान लीजिए ए बी, और यह है मान लीजिए सी डी, ये सी डी जीवा है। और क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि दोनों जीवाओं के बीच का जो दूरी है वो 1 cm है, ठीक है। अब बातों को समझिए, और जो दोनों जीवा है, एक है 8 cm का, तो बड़ा वाला ये है तो 8 cm, और ये छोटा वाला है तो कितना cm, 6 cm। तो इस स्थिति में आपको बताना है केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जो लंबी जीवा की दूरी क्या होगी, दैट मीन्स यह दूरी आपको बताना, ये दूरी कितना होगी, यही आपको क्या करना है, बताना था। इसको आप ओ मान लीजिए, इसको मिलाइए आप केंद्र से, ठीक है, और इसको भी आप केंद्र से मिलाइए, इसको भी आप इस तरह से क्या कर लेंगे, केंद्र से मिला लेंगे। अब इससे होगा क्या, देखिए इसको आप पूरा नीचा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है 1 cm, ये 1 cm है। अब इसका कुछ आप जो है नाम भी दे सकते हैं, ये मान लीजिए कि जी पॉइंट है, कुछ भी वृत्त ही चला गया। बातों को चलिए समझिए, फिर से हम एक वृत्त ड्रॉ करना होगा, ये इस तरह से था मान लीजिए, फिर इसको फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक वृत्त था मान लीजिए, क्योंकि वृत्त मिट गया तो आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यह एक मान लीजिए क्या था, वृत्त था, इस बार बड़ा सा फिगर भी बना लिए हैं तो समझने में दिक्कत आपको नहीं होगा। ये मान लीजिए केंद्र है, और एक जीवा यह था, और ये है दूसरी जीवा, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में मान लीजिए कि यह ए बी जीवा है और ये सी डी जीवा है, और ए बी जीवा है 8 cm का, सी डी जीवा है 6 cm का। इस स्थिति में आपको बताना है, और एक बात यह अभी बोल दिया कि दोनों जीवा के बीच का जो दूरी है वो 1 cm है, कितना cm, 1 cm, और केंद्र मान लीजिए कि O है। तो आपको क्या करना है, केंद्र से लेकर के बड़ी जीवा के बीच का दूरी आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले तो आप इसको इससे मिला लीजिए, फिर आप इसको इससे मिला लीजिए, और ये जो रेखा आप देख रहे हैं इसको आप पूरा ले लीजिए नीचे तक, ठीक है। इससे आपको फायदा क्या होगा आगे हम आपको बताते हैं। देखिए ए बी सी डी हो गया, तो इसका नाम आप ई दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ई भी आप जो है दे सकते हैं, या नहीं आप अगर नहीं देना चाहते तो जी भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, जी। तो इसका नाम हम दे देते हैं, जी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए कि जी है, ये जी पॉइंट है, ठीक है। अब बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए अगर ए से लेकर के बी 8 है तो इधर कितना होगा, 4 होगा, और इधर भी 4 होगा, जिससे हमें मतलब नहीं है। सी डी 6 है तो इधर कितना होगा, 3 होगा। और ये पॉइंट जो है यहां पर अगर देखा जाए, ये पॉइंट मान लीजिए कि एफ है, ठीक है, ये एफ पॉइंट है, ठीक है, और एफ से लेकर के जी 1 cm है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जीवा के बीच का दूरी है, तो 1 cm दे दिया गया। इस स्थिति में आपको क्या करना है, ओ एफ निकालना है। देखिए एक बात आप गौर से देख सकते हैं कि ए एफ ओ यह एक त्रिभुज बन रहा है और ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, कौन, सी जी ओ। चलिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे ओ ए, क्या निकालेंगे, ओ ए निकालेंगे। तो ओ ए कौन सा, देखिए ओ से लेकर के ए, ये है ओ ए, ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर, जो आधार स्क्वायर होता है। देखिए तो लंब कौन सा है इसमें, तो लंब है ओ एफ, तो ओ एफ का स्क्वायर होगा, ओ एफ का स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार कितना है, 4 है, देख सकते हैं आधार कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। और इसी तरह से एंड क्या होगा, जो ओ सी होगा, कौन सी, ओ सी मतलब ये वाला ओ सी कितना होगा, समझिए ओ सी कितना होगा, ये भी कर्ण है और इसका जो लंब है वो ओ से लेकर के जी तक है, कहां से कहां तक है, ओ से जी है,
तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, तो लंब ओजी है, तो ओजी का स्क्वायर हो जाएगा, ओजी का स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब आप समझिए कि ओसी क्या है और ओए क्या है। देखिए ये है आपका ओए और ये है आपका ओसी, और दोनों त्रिज्या है क्योंकि केंद्र से परिधि तक दोनों आया है, केंद्र से परिधि तक दोनों आया है, तो दोनों क्या हो गया त्रिज्या, त्रिज्या है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहां यहां ओ ए बराबर होगा ओ सी के, क्योंकि दोनों क्या है त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब आर है, ठीक है। तो बातों को समझिए, आखिर त्रिज्या है लिख दीजिए, दोनों त्रिज्या इसीलिए ऐसा होगा, दोनों बराबर होगा, और जब दोनों बराबर होगा तो आप आसानी से यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ओ ए और ओ सी बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा बराबर होगा, तो यहां पर आप लिख लेंगे, देखिए रूट अंडर ओ एफ स्क्वायर और प्लस 16 जो है बराबर होगा रूट अंडर ओ जी स्क्वायर और प्लस 9 का, ठीक है। अब होगा क्या, सो बातों को समझिए, अब आपको इसी के आधार पर आपको आंसर तक क्या होगा पहुंचना होगा, तो ध्यान से देखते रहिए और समझिए कि आखिर आपको इसका आंसर कैसे निकालना है। चलिए देखिए, दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और रूट से रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तब फिर आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, जो पाए में है ओ एफ, इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जो ओ एफ स्क्वायर है इसको सेम टू सेम आप लिख लीजिए, ओ एफ स्क्वायर प्लस 16 है तो 16 लिख लेंगे, बराबर है तो बराबर लेंगे, और फिर देखिए ओ जी को आप गौर से देखेंगे कि यह क्या है, देखिए यहां से ओ से लेकर के जी तक जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक है ओ एफ और यहां से यहां तक है 1, तो हम ओ जी को लिख सकते हैं ओ एफ प्लस 1, क्या लिखेंगे ओ एफ और प्लस 1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 9। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे और आराम से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए ये जो ओ एफ है, ठीक है, ओ एफ स्क्वायर को आप सेम टू सेम जो है लिख लीजिए, ओ एफ स्क्वायर प्लस 16 है तो 16 लिख लेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है तो ए स्क्वायर डेट मीन्स ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेट मीन्स एक का स्क्वायर तो एक ही होगा प्लस 2ab तो 2ab मतलब 2a है ओ एफ और बी है एक तो ये 2 ओ एफ हो जाएगा, कितना होगा 2 ओ एफ होगा, तो ये इसका स्क्वायर हो गया प्लस 9 है तो यहाँ पर सेम टू सेम आप प्लस 9 क्या कर लेंगे लिख लेंगे। इससे अब आपको क्या होगा, तो बातों को समझिए, देखिए यहाँ पर ओ एफ से ये ओ एफ क्या होगा कट जाएगा, फिर आप आगे देखिए क्या बचा इधर आपको 16 बचा। अब बात क्या है, ये जो 2 ओ एफ है इसको बाएं ले आए, कितना है 2 ओ एफ तो प्लस 2 एफ बाएं करेंगे तो माइनस 2 ओ एफ हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे तो देखिए दाहिने में पहले से 9 है और ये 1 है तो 9 और 1 क्या होगा 10 होगा, और ये प्लस 16 दाहिने जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे तो माइनस 2 ओ एफ और बराबर में क्या होगा, आप सभी जानते हैं 10 में से अगर आप 16 घटाते हैं तो माइनस 6 आपको मिलेगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 6 कटेगा 3 मरतबे, डेट मीन्स ओ एफ जो है आपको मिल गया 3 cm, कितना cm 3 cm मिला ओ एफ, और ओ एफ ही आपको क्या करना था निकालना था। चलिए आप एक बार गौर से देख लीजिए कि ओ एफ था क्या, देखिए यही था आपका ओ एफ, ओ से लेकर के एफ के बीच का दूरी यानी कि जीवा की दूरी क्या होगी कहां से, तो वृत्त के केंद्र से, कौन सी जीवा की अपेक्षा करते लंबी जीवा की, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इसके बाद जो है लास्ट हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश करेंगे।
सिंपल भी है, इसमें ज्यादा आपको टाइम लगने वाला नहीं है। 2 मिनट के अंदर आपका यह क्वेश्चन जो है बन जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की जीवा ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो आपको ओ डी ए का मान कितना होगा, कोण ओ ए डी का मान। तो देखिए यह आपका एक वृत्त है मान लीजिए, ठीक है, और इसमें कोई जीवा ए बी है, ये मान लीजिए कि आपका एक जीवा है, कौन है ए बी, ये ए बी जीवा है और ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र मान लीजिए कि ओ है और आपको बोल दिया गया कि ओ केंद्र वाली किसी वृत्त की जीवा ए बी का मध्य बिंदु डी है। जीवा ए बी का जो मध्य बिंदु है वो डी है, ये जो जीवा है ए बी इसका मध्य बिंदु कौन है, डी है, ऐसा आपको बोला गया है। तो फिर आपको बताना है कि कोण ओ डी ए, ओ डी ए डेट मीन्स ये वाला कोण कितना होगा, तो ये कोण कितना होगा, ये मध्य बिंदु है इसीलिए 90 डिग्री का होगा, कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री, डेट मीन्स बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से यह टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे, एक दो टॉपिक और आपका बच गया, सांख्यिकी और व्यावसायिक गणित, तो सांख्यिकी पहले पढ़ेंगे फिर हम लोग व्यावसायिक गणित पढ़ेंगे, काफी वहां पर आपको महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।